आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया स्टॉक के बारे में। चूंकि इस स्टॉक में एक बिग ब्रेकिंग न्यूज आई है, जहां ट्राई के तरफ से, जो टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी है, उसके तरफ से एक बड़ा कंसर्न रेज करा गया है, और वो कंसर्न बड़ा ऑथेंटिक है। उसको समझेंगे, आगे के न्यूज को देखेंगे, आगे के ट्रेंड को समझेंगे। उससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें, जो कि बिल्कुल फ्री है, और डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन कर लें, जिससे आपको एक्टिव ट्रेडिंग कम्युनिटी और लर्निंग ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। इस समय देखेंगे तो 12 के प्राइस पे स्टॉक ट्रेड होते दिख रहा है, और जो न्यूज़ रही है उसको समझेंगे। यहाँ देखेंगे ट्राई की तरफ से ये बड़ी न्यूज़ रही है, और इस समय स्टॉक पिछले 20 मंथ के हाई पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप 60,000 के ऊपर ट्रेड होते दिख रहा है। यहां ट्राई ने क्या कहा है वो समझेंगे। वरीड अबाउट सब्सक्राइबर बेस इरोजन ऑफ वोडाफोन आइडिया, कंसर्न्ड अबाउट वोडाफोन नॉट बीइंग एबल टू रोल आउट 5G सर्विसेज, ट्राई चेयरमैन पीडी वाघला। कंसर्न अबाउट वोडाफोन नॉट बीइंग एबल टू रोल आउट 5G सर्विस, विच इज रियली आई पर्सनली थिंक कि ये सबसे बड़ा कंसर्न है। वरीड अबाउट सब्सक्राइबर बेस इरोजन ऑफ वोडाफोन आइडिया, ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड बाय टेलीकॉम्स। जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उसके अंदर, जो वोडाफोन है उसको एक बड़े फंडरेज की जरूरत है, और उस फंडरेज के एक्सपेक्टेशन के कारण ही इस समय स्टॉक में बड़े रिवर्सल दिखे हैं। यहां देखें तो इस समय 20 मंथ के हाई पे ट्रेड कर रहा है, डिलीवरी बेटर दिख रही है, टेक्निकल ट्रेंड आउट परफॉर्मिंग रहा है, और यहां से कुछ फंड अगर रेज करता है तो 12 से यहां देखेंगे इस प्रकार के 100% तक के ट्रेंड दिख सकते हैं। लेकिन अगेन वही बात है कि बहुत बड़े क्वांटिटी से नहीं जाएंगे, क्वांटिटी लिमिटेड रखेंगे, और मुझे लगता है कि फंड रेज भी होते हुए दिखेगी, क्योंकि गवर्नमेंट का ही स्टेक है। और हमने कल ही एक न्यूज़ देखा था कि जो कुछ ड्यूज है स्पेक्ट्रम वाला, उसमें भी रियायत मिलते दिख सकता है, तो मैं बहुत वरीड नहीं हूँ। यहाँ से एक टर्न अराउंड स्टोरी दिख सकता है।